Hi guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aves, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 stars दिला सके home base and builder base दोनों में। So guys, last video में जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं पूरा CWL का एक series बनाऊँगा, तो last video में मैंने आपको full starting का information दिया था, CWL कैसे start करें, उसमें क्या होता है। So वैसे ही मैंने सब donation दे दिया था। सो अब हमारा फर्स्ट बैटल डे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड वॉर मिल रही है, यहीं पे से आप देख सकते हैं टाउन हॉल 9 के अगेंस्ट है टाउन हॉल 11, और हमारा क्लैन है लेवल 3 और अपोनेंट का लेवल 11। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो देखिए हम ये CWL में क्या कर पाते हैं। तो हम ये तो पता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, बस इतना है कि अब हमें लीग मेंटेन रखना है। तो लीग मेंटेन कैसे रखना है, आपको 5th पोजीशन तक आना होगा, 6 या 7 पे नहीं जाना है। उसी के लिए आपको 3 स्टार अटैक्स करने पड़ेंगे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। चलिए पहले आप हमारे बेस देख लीजिए, ये देखिए हमारा TH-13 रश बेस है पूरा, देख सकते हैं आप ये इंफर्नो सारे लेवल 1, ईगल आर्टिलरी लेवल 1, सब लेवल 1 का है, रश बेस है। अब अपोनेंट का बेस देखिए, ओहो ये देखिए आप मैक्स बेस। अब ये देख सोच सकते हैं आप हमारी कंपैरिजन में ओपोनेंट कितना टफ है। ये देखिए मैं 5th पोजीशन पे हूँ, मेरे सामने है TH-12 और लास्ट है TH-10। देख सकते हैं आप कितना हार्ड वॉर है हमारे लिए। तो अब मैं लास्ट जो है TH-10 पे 3 स्टार करने का ट्राई करूँगा, जिससे कि हमारा क्लैन के स्टार्स बढ़े और हम 5th पोजीशन पे आ सके। तो आप बेस देख लीजिए पहले अच्छे से, देखिए इन्फर्नो की पोजीशन में आपको बताता हूँ। तो इन्फर्नो के आसपास देखिए एक्सपोज है, और जो एक्सपोज है वो लाइटनिंग से डाउन नहीं होंगे, सिर्फ उन्हें डैमेज मिलेगा, और जो एयर स्वीपर है वो भी डाउन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सर्कल किया है मैंने, वहाँ पर हम डाल इन्फर्नोस पे एग्जैक्टली लाइटनिंग डालना है, फिर अर्थक्वेक ब्लास्ट करना है। चलिए फिर मैं गोबोविच करने वाला हूँ, दी बेस्ट स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए फिर करते हैं हमारा अटैक। देखिए जैसे कि प्लान किया था मैंने डाल दिया लाइटनिंग्स और अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक से ही दोनों डाउन हो जाएंगे। सेकेंड अर्थक्वेक मैं वही डाल दूंगा ताकि एक्सपोज को देखिए, एक्सपोज सिर्फ थोड़े से लेवल पर बची है। चलिए हम डाल देंगे हमारे गोलम्स, गोलम्स मेरा एक लेवल कम है, देखते हैं हम ये अटैक कर पाते हैं या नहीं। 3 स्टार गोलम स्विचिस लॉग लॉन्चर बारबेरियन किंग आर्चर क्वीन सब डाल दिया मैंने एक साथ। देखिए टाउन हॉल डाउन होने वाला है थैंक्स टू लॉग लॉन्चर, देखिए बूम टाउन हॉल इज डाउन गाइस। सीसी में मैंने बॉलर लिए क्योंकि ये टीम मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं हम 3 स्टार कर पाते या नहीं, क्लैन की रेपुटेशन का सवाल है, हमें 5th पोजीशन पर तो आना ही होगा, लीग नहीं गिरानी है। क्या ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा गाइस, ओ लेट्स सी। 20 टावर कर दिया बॉलर्स ने डाउन, यहाँ पर साइड पर है बारबेरियन किंग विच इज वहाँ पर बीच में, देखिए बॉलर्स है, गोलम वहाँ पे टैंक बना है बॉलर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आर्चर क्वीन हमारी फुल हेल्थ पे है, और ये मैक्स लेवल के बॉलर जो सीसी में से निकले थे वो अटैक कर रहे हैं देखिए आप। और ये यहाँ पे आर्चर क्वीन ने कैनन डाउन कर दिया है, अब बचे हैं कुछ डिफेंसिस बारबेरियन किंग विच इज गोलम आर्चर क्वीन। क्या ये अटैक 3 स्टार हो पाएगा, क्या हमारे क्लैन को मिलेंगे 3 स्टार, लेट्स सी। आर्चर क्वीन की एबिलिटी बाकी है, सो मुझे लगता है ये अटैक इजीली 3 स्टार हो सकता है, गोलम बचा है, एक बॉम्ब टावर बचा है। चलिए देखते हैं ये अटैक हो पाता है या नहीं 3 स्टार, कम ऑन हम कर सकते हैं 3 स्टार, ये गो आर्चर क्वीन, और ये भी चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है बॉम्ब टावर। सो गाइस हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार, यो हो देखिए हमारे क्लैन को मिल चुके हैं 3 स्टार्स,
सामने वाले क्लैन के 0। तो अब देखिए पोजीशन, हम आ चुके हैं 6 पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमारी लीग डाउन नहीं हो सकती है। और हमने मैनेज कर लिया है कि हम 3 स्टार कर लिया इस क्लैन के सामने। चलिए फिर, अब मेरे पर अटैक हुआ है तो क्लैन सामने वाले अटैक करेंगे। तो देखिए गाइस, सामने वाले अटैक कर रहे हैं पिकाचू के ऊपर। ये देखिए पिकाचू का बेस था टाउन हॉल 9 और ये अटैक करने वाला आप देख सकते हैं टाउन हॉल 11 का है। इसके आर्चर की मैक्स है, ईडी अटैक कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हम कितने इजीली हम हार रहे हैं, क्योंकि हमारा ओपोनेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखिए आप इलेक्ट्रो अटैक से तो वो इजीली कोई भी बेस डाउन कर सकता था, लेकिन अब उन्हें भी 3 स्टार चाहिए तो वो इजी अटैक्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो हार्ड अटैक्स करना पड़ेंगे, क्योंकि हम हैं नीचे और वो लोग हैं ऊपर। देखिए 3-3 हो चुका है बैलेंस। सो गाइज, अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाऊंगा सेकंड डे की बैटल, तब देखेंगे हम कि हमें विक्ट्री मिली है या लूज ही लग रहा है अभी तो, हम हार ही जाएंगे इस क्लैन को देखते हुए। लेकिन हम आगे जीतने की ट्राई करेंगे, जो लो लेवल क्लैन है उनके सामने तो हम जीत ही सकते हैं 3 स्टार अटैक्स करके। और अब मैं सेकंड वॉर के लिए भी डोनेशन दे दूंगा पहले से ही, ये आपको ध्यान में रखना है, सेकंड वॉर का डोनेशन भी दे देना है। तो गाइज, मैं मिलूंगा आपसे सेकंड बैटल डे में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज।